तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज बच्चे, मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले बार जैसा पेपर हुआ था उसके कंपैरिजन में अगर हम इस साल के पेपर को देखें तो वाकई में क्वेश्चंस टफ तो नहीं थे, लेकिन उसके ऑप्शंस अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ बनाया गया था। फिर से सुनो, क्वेश्चंस वॉज वेरी इजी बट ऑप्शंस मेड टू वेरी टफ। तो एक चीज़ तो जाहिर सी है कि बहुत सारे टॉपर्स से मेरी बात होने के बाद टॉपर्स का कहना है कि सर, जो 2022 का कट ऑफ है, इस बार का कट ऑफ अपने आप में बहुत ही लो होगा, कट ऑफ बिल्कुल नीचे होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको बिल्कुल ही, यू डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। क्योंकि 2022 का अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, इससे 2023 का कट ऑफ बिल्कुल लो ही रहने वाला, राइट, बिल्कुल नीचे ही रहेगा, बिल्कुल नीचे ही रहेगा। क्योंकि आपने इस बार देख लिया क्वेश्चंस पेपर का लेवल, मैं बार बार कह रहा हूँ इजी है लेकिन क्वेश्चन पेपर बहुत ही टफ है। कुछ बच्चों को मैं क्वेश्चंस भी दिखाना चाहता हूँ, अगर आप क्वेश्चंस भी देखेंगे तो ये देखिए, मेरे पास अभी जस्ट मैंने क्वेश्चंस आपको बताया था, राइट, आप देख सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चंस को देखो, किस तरीके के इनके ऑप्शंस को बनाया गया है, किस तरीके के, इस तरीके देखो किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे जो भी चीज़ों, जैसे मान लो कि कंसीडर फॉलोइंग, राइट, इसमें से कौन सा किसका यूज किया जाता है, ओनली वन, ओनली टू, राइट। तो क्वेश्चंस ऐसा नहीं है, देखो किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, आप कहीं से क्वेश्चंस देखो, स्टेटमेंट दिए हुए। तो क्वेश्चंस पेपर जो इस साल का है, इस साल का जो क्वेश्चंस पेपर, मैं एक ही बात कहूँगा कि जिस भी बच्चे ने, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले बच्चे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2022 के कंपेरिजन में 2023 का जो कट ऑफ होगा ये बिल्कुल ही लो होगा, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने इस टाइम 75 या 70 से 80 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो भी आप बहुत ही सेफ जोन में हो, आप अपने आप में सेफ जोन में हो, आपको फरफराने की, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, कुछ मेरे पास कुछ पॉइंट्स है जिसको लेकर के मैंने यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, राइट, है ना। बिल्कुल भी 2023 का जो है एलिमिनेशन टेक्निक तो बिल्कुल भी नहीं लगा है। मैंने एलिमिनेशन टेक्निक्स की भी बात कहा करता था आपको कि यूज कर सकते हो, लेकिन इस पेपर में मैं पर्सनली बताऊं, मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, राइट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही एलिमिनेशन टेक्निक्स है उसका बिल्कुल भी नहीं यूज किया गया है, राइट। खास तौर पर जो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल है। इसका मतलब एक ही रास्ता है, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक ही मंत्र है, क्या, जिसमें है मेहनत करने का हुनर वही बन सकता है IAS या IPS ऑफिसर। इसका मतलब आपको पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपको एनी हाउ हार्डवर्क, आपको मेहनत करना तो पड़ेगा, राइट। अगर मैं आपको बताऊं जैसे कि मान लो मैं पॉलिटी की बताऊं, राइट, अगर चाहे 2022 का देखो और चाहे 2023 का देखो, राइट, इस बार पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, राइट, 2022 में 12 क्वेश्चंस थे, इस बार 14 क्वेश्चंस हैं, राइट। अगर मैं इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, इस बार, राइट, इकोनॉमी का पिछली बार भी 14 क्वेश्चंस थे, इस बार भी 14 क्वेश्चंस हैं। साइंस एंड टेक की बात करूं पिछली बार 13 क्वेश्चंस थे, इस बार 5 क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये 5 क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, जिसने साइंस टेक में मेहनत किया होगा, पढ़ा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक भी क्वेश्चंस नहीं आपका छूट सकता है। पिछली बार 13 क्वेश्चंस थे, आसानी से आप 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, 4-5 क्वेश्चंस आपके छूट सकते थे, छूटा होगा, लेकिन इस बार का ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कट ऑफ के रिलेटेड, राइट, ज्योग्राफी की बात करोगे पिछली बार ज्योग्राफी के 11 क्वेश्चंस थे, इस बार ज्योग्राफी के 9 क्वेश्चंस हैं।
इस बार ज्योग्राफी के आपके पास 9 क्वेश्चन हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट, राइट, एनवायरनमेंट पिछली बार 14 क्वेश्चन थे, इस बार 21 क्वेश्चन हैं। इस बार कितने क्वेश्चन हैं? 21 क्वेश्चन हैं। अगर मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ, पिछली बार 4 क्वेश्चन थे, इस बार 3 क्वेश्चन हैं। ओके, चाहे अगर मैं आपको करंट अफेयर्स की बात करूं तो पिछली बार आपके करंट अफेयर्स में 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार 23 में 24 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछे गए हैं। इसका मतलब करंट अफेयर्स का वेटेज फिर से डे टू डे बढ़ता जा रहा है। आपको इतना समझना चाहिए, इतना आपको मेहनत करना चाहिए, राइट। और उसके बाद इतना ही नहीं, चाहे एंशिएंट इंडिया की बात करूँ, चाहे मिडिवल की बात, चाहे आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ, पिछली बार 11 क्वेश्चन थे, इस बार 10 क्वेश्चन थे। तो ऐसा नहीं है इस बार का कि आपको कुछ नया दिख रहा है। हाँ, जिन्होंने अपने ऊपर मेहनत की होगी, अपने पढ़ाई किया होगा, दिन रात हार्डवर्क किया होगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के अपने टाइम को यूटिलाइज करके करना है। आपने देखा होगा कई बार मैं क्लासेस लेता हूँ, तो मैं उस टाइम पर क्लासेस लेता हूँ जिस टाइम बच्चे पूरे टाइम पढ़ने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं और लास्ट में मैं क्लासेस लेता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ सोशल मीडिया का यूज थोड़ा सा सोच समझ के करें, अलग बात है कि बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो ये मत सोचो कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही टफ था, राइट, बहुत ही मुश्किल था, इजी था। ऑप्शंस ही एलिमिनेट किया गया था, ऑप्शंस को इस तरीके से बना दिया गया था जो आपके लिए अपने आप में क्वेश्चंस जो था वो टफ था, राइट। मैपिंग की क्वेश्चंस थे, लाइंस के क्वेश्चंस थे, आपने देखा हो किस तरीके से, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस थे, पिछली बार ही आपको स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार स्पोर्ट्स में अवार्ड वगैरह के क्वेश्चंस थे जो आपको इंडिकेट किया गया था कि आपको पास इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको रीड करना है। और जो आपने इस बार जो क्वेश्चन देखा, माई डियर फ्रेंड्स, 47 क्वेश्चन ओनली एंड ओनली 47 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जहां पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब एसर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए, राइट। जो तथ्यात्मक, जो रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसका मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे, मेहनत करने वाले होंगे, उनका बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। तुक्का उक्का कुछ नहीं चल सकता। क्या आपको लगता है कि तुक्का मारने से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल ही, अगर आपने 70-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, राइट, है ना, अगर आपका नॉलेज ठीक ठाक, अगर आपको पहली बार आपने अच्छे तरीके से आपने किया है, तो समझ सकना कि आराम से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। टेंशन नहीं लेनी है, मेंस के एग्जाम की तैयारी करिए, खूब हार्डवर्क कीजिए, अपने आप को रगड़ के पढ़िए, मेहनत कीजिए। इस बार नहीं होगा, 2024 में होगा, लेकिन अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, खुद को टाइम दो। ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है तो समझ लो बहुत ही गलत बात है। मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, अपने टाइम को जरूर सेव कीजिए, बचाइए, राइट। बाकी कैसा लगा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, है ना, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया और आप किस स्टेट से हो, किस प्लेस हो, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। कोई भी क्वेरी होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर बताऊंगा, टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में होगा, राइट। और कोई भी क्वेरी हो, राइट, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, ओके, तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे कर सकते हैं मैसेज, 8285727961 SSM सर IIT दिल्ली, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, राइट, 828 के सर आई हैव रिगार्डिंग द UPSC प्रिपरेशन, कोई भी डाउट्स 8285727961, ठीक है। बाकी बहुत सारे बच्चों को मेरा थैंक यू सो मच, ये जो कट ऑफ मैंने बहुत सारे टॉपर्स की बात करने पे मैंने आपको बताया, राइट, क्या हो सकता है, बिल्कुल ही कम होगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, राइट, अपने आप को फोकस करिए, आराम से पढ़ाई करिए। बाकी अगर किसी बच्चों को अनअकैडमी में कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करना हो, राइट, है ना, तो जरूर ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी क्वेरी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आते दिन ऑफर होते हैं, वहाँ पर आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कम ऑन सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।